नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मणि, लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 29 जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक देखते हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, मतलब सारे के सारे सेट को और सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और यह सीरीज आपके नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा यह आपके बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए और उसके टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते रहने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या फिर यहां आई बटन पे, आपको एक आई बटन शो करेगा राइट साइड कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करके पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट का इस पे आई बटन दिया हुआ है लिंक, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका खुल जाएगा। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन अबाउट द मैटर वेव। अच्छा अच्छा अच्छा, द्रव्य तरंग से आप क्या समझते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की दैत्य प्रकृति की व्याख्या करिए। तो ये तो क्वेश्चन पूरा ड्यूअल नेचर का जड़ न हो गया मेरे दोस्त। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्य तरंग क्या है, तो पूरे ड्यूअल नेचर में ये वाला चीज ही पढ़ना है। कह रहा है What do you mean about the matter wave? फिर कह रहा है कि उसके बारे में explain कीजिए। तो मैं सारे के सारे question का answer बढ़िया से आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियो के बाद में भी मैं लिखा हुआ देने वाला हूँ, आप वहाँ से कॉपी पे आराम से बढ़िया से इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा से आपका मतलब नोट हो जाएगा। लेकिन पहले आप समझ लीजिए, समझ लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका दिमाग में हमेशा वो चीज घुसा हुआ रहेगा। और जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है What do you mean matter wave? मतलब कि द्रव्य तरंगों से क्या समझते हैं। तो देखिए, डी ब्रोगली साहब का कहना था ना, जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई वस्तु का मास एम है, तो देखिए वस्तु के पास तो वस्तु वाला गुण है ही, वस्तु है तो इसके पास वस्तु वाला गुण बोलिए या कण वाला गुण बोलिए या पदार्थ का गुण बोलिए, यह सब तो है ही। लेकिन जब कोई वस्तु चलता है ना, तो जब यह चलता है तो इसके साथ एक वेव जुड़ जाता है, वेव तरंग रहता है, उसी तरंग को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। ना, ये मेरा नहीं कहना है, ये डी ब्रोगली साहब का कहना है, जहां से ड्यूअल नेचर चैप्टर का उत्पत्ति हुआ ना, उनका कहना है कि जब कोई, जैसे कोई गेंद है और जब गेंद को आप फेंकिएगा ना, तो गेंद के पास ना ये होता है एक तरंग जुड़ जाता है, उसी तरंग को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव बोलिए या फिर द्रव्य तरंग बोलिए। हां, हालांकि यह कि जो गेंद को फेंकते हैं तो गेंद का जो तरंग होता है उसका तरंग दर्ज काफी कम होता है, इतना कम होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन तरंग उसके साथ होता है। तो ये तो हो गया आपका मैटर वेव। तो आज के बाद एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, कोई पूछ दे कि द्रव्य तरंग क्या है, तो एक शब्द में बोलना है कि जब कोई भी वस्तु चलता है ना, तो वस्तु तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक और गुण रहता है, तरंग का गुण, उसी तरंग के गुण को, उसी तरंग को हम लोग मैटर वेव या द्रव्य तरंग बोलते हैं। और उसका जो वेवलेंथ होगा, मतलब तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होगा, वेव का जो वेवलेंथ होगा, उसी वेवलेंथ को मैटर वेवलेंथ भी कहा जाता है। डी ब्रोगली साहब ने खोजा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहा जाता है। अब इसी में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसी के बारे में हम लोग बोले ही बोले क्या, यही ना बोले कि जब कोई वस्तु चलता तो उसके पास वस्तु वाला तो गुण होवे करता है, उसके साथ एक और गुण हो जाता है तरंग वाला, तो दोनों के दोनों गुण ना हो गया, दो दो गुण उसके पास हो गया ना, दैत्य प्रकृति ना हो गया, द्वैत प्रकृति मतलब पदार्थ का भी गुण हो गया और तरंग का भी गुण हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर। तो दो नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से लिख लेना है, किस तरीके से लिखना है चलते नीचे आपको दिखा देते हैं, बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, बहुत बढ़िया से, अच्छा से, एकदम बढ़िया से, इत्मीनान से नोट कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं ना किए तब कर दीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को। और देखिए आंसर भी वही कहा जा रहा है, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में फिर नीचे हिंदी है। देखिए आंसर में कहा जा रहा है व्हेन एनी मैटर मूव्स, मतलब जब कोई बॉडी चलता है देन वेव इज एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर के साथ एक तरंग जुड़ा रहता है, इसी वेव को बोलते हैं मैटर वेव और इसके वेवलेंथ को बोलते हैं मैटर वेवलेंथ। और जो मैटर वेवलेंथ का वैल्यू होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट बट बॉडी का मोमेंटम, मतलब वस्तु के संवेग के बराबर होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच और बॉडी का संवेग को पी से दिखाते हैं, जो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, जो संवेग होता है मोमेंटम, तो एच इनटू पी के बराबर होता है।
अब इसी में जो सेकंड पार्ट था जिसमें कह रहा था कि दैत्य प्रकृति ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मतलब डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी बॉडी चलता है तो उसके पास दोनों गुण होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग ड्यूअल नेचर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके हिंदी में आंसर पे, और हिंदी में भी नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए वही कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ चलता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ा रहता है, उसको द्रव्य तरंग बोलते हैं, उसके तरंग धर्ज को द्रव्य तरंग धर्ज बोलते हैं, ये होता है वैल्यू। और डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान वस्तु के साथ तरंग का गुण और कण का गुण दोनों के दोनों होता है, इसी को दैत्य प्रकृति कहते हैं। ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से पहले हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे आज का सवाल पूछा जाता है, और जो तीन स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देते हैं क्वेश्चन डे का उनका नाम यहां पे हम डिस्प्ले करते हैं। और आज के सही जवाब देने वाले स्टूडेंट के नाम है, देख लीजिए सौरभ कुमार, अमरेश शर्मा, और उसके बाद यहां पे भी एक और है सौरभ कुमार। तीन तीन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। जल्दी से वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन ऑफ द डे को जल्दी से पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर धड़ाधड़ जवाब दीजिए। एकदम जवाब देने से सबसे पहली बात कि आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा, और अगर आप रेगुलर व्यूअर और सही में बढ़िया से स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं, एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं, तो इस क्वेश्चन का तो मैंने पहले जवाब बता दिया, बढ़िया से बता दिया है, तो आपको तो इसका आंसर मिल ही जाएगा, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। तो आप सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए बढ़िया से। और जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है उनको मैं बता दूं कि पीछे का सारा वीडियो को देखते रहने के लिए या तो आप एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, एमिंग हाई चैनल सर्च करके जो सबसे पहले ऊपर आएगा चैनल उसको खोल करके अंदर चले जाइएगा, होम या वीडियो या प्लेलिस्ट में पूरा फाइल बना हुआ है उसको देख लीजिएगा, या कुछ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये अगला क्वेश्चन क्या है नहीं है, और ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, मतलब कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति अगर दुगुना कर दी जाए, देन क्या करें, बिल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बी डबल, एक्सप्लेन। डबल हो जाएगा जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, हम बताया था ना आप लोगों को कल ही के क्वेश्चन बताए थे कि जब किसी मेटल पे लाइट गिरता है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी के पास के कारण लाइट में कुछ एनर्जी होता है, तो ये जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। मैंने बताया था ना कि अगर आने वाला लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, क्योंकि कम से कम निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, तो उससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाता है, मेटल से बाहर निकल जाता है। उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, तो ये बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी का, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इसको दुगुना कर दिए, दो टाइम कर दिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो दुगुना होगा? नहीं मेरे भाई, दुगने नहीं होगा, दुगना से ज्यादा हो जाएगा। देखिए ना, दुगना से ज्यादा होगा, कैसे होगा ना, मैं आपको प्रूव कर देता हूं, बढ़िया से प्रूव करके दिखा दूंगा। नीचे आपको प्रूव आंसर में भी लिखना है बढ़िया से, क्योंकि सिर्फ लिखने से काम ना चलेगा। तो चलिए नीचे आप आंसर भी लिख लीजिए, और याद रखिएगा कि दुगुना से क्या होगा, ज्यादा। और वर्क फंक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए पहले फ्रीक्वेंसी एफ था, तो जो काइनेटिक एनर्जी था ना, तो उसका दुगुना काइनेटिक एनर्जी से वर्क फंक्शन जो मेटल का है उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब दुगुना से भी वर्क फंक्शन ज्यादा के बराबर हो जाएगा। देखिए आंसर में वही कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड ऑन मेटल सरफेस, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन, या फोटो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल विल बी मोर देन डबल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब दुगुना से ज्यादा हो जाएगा, और विल बी इक्वल टू सम ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बोले ना कि दुगुना और वर्क फंक्शन मतलब कार्य फलन के जोड़ के बराबर हो जाएगा। इसका जरा मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। एग्जाम में इतना लिख के, इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, और जो प्रूफ करते हैं उसे लिख लीजिएगा। तो प्रूव करने के लिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं और आपको बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए कैसे प्रूव कीजिएगा। पहले तो आप एक मेटल सरफेस ले लीजिएगा, मेटल का फिगर बना लीजिएगा, और यहां पे लिखेगा इनिशियल, मतलब शुरू में। क्या लिखिएगा यहां पे? इनिशियल मतलब शुरू में। शुरू में जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का, उसे आप एफ मान लीजिए। कितना मान लीजिए? एफ। तो बताइए, तो जो लाइट का एनर्जी होगा, यहां पे लिखिएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी हिंदी वाले लिख लीजिए आवृत्ति इक्वल टू एफ। इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा एच एफ के बराबर। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? एच एफ ना
में होगा, और जो वर्क फंक्शन है इसका, वर्क फंक्शन मतलब कार्य फलन, उसको फाई के बराबर, फाई के बराबर दिखाइए, डब्ल्यू के बराबर जैसे है वो दिखा दीजिए, वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन फाई के बराबर, हिंदी में लिख लीजिए कार्य फलन इक्वल टू फाइव, तो यहां से इतना लिख लीजिएगा। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैंने पहले बताया है, मैं यहां डिटेल बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि क्या होगा नहीं होगा, आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो समझ रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी होगा वो आने वाला एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तो आने वाला एनर्जी एचएफ होगा और वर्क फंक्शन फाई होगा, यानी हो जाएगा एचएफ माइनस फाई के बराबर। ये तो हो गया इनिशियली, अब लिखेंगे फाइनली। फाइनली मतलब बाद में जब फ्रीक्वेंसी को दुगुना करते हैं तब, तो बाद में जो फ्रीक्वेंसी था वो एफ नहीं होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा टू एफ ना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो टू एफ होगा, तो यहां पर लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टू एफ, मतलब आवृत्ति इक्वल टू टू एफ, ठीक है। तो और उसके बाद इसलिए इनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, फोटोन का जो ऊर्जा होगा वो एच गुना फ्रीक्वेंसी होता है, तो एच गुना एफ नहीं बल्कि एच गुना एफ की जगह पर क्या हो जाएगा टू एफ ना, देखिए ना फ्रीक्वेंसी अब टू एफ ना हो गया, तो एच गुना टू एफ मतलब टू एच एफ हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें फोटॉन का, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी गतिज ऊर्जा बराबर आने वाला एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो आने वाला एनर्जी कितना हो गया 2hf, अब माइनस वर्क फंक्शन हो गया फाई के बराबर। तो आप हम ही को बताइए, आप ही हमको बताइए, देखिए तो 2hf को ऐसे लिख सकते हैं hf प्लस hf अब माइनस वर्क फंक्शन, और आप खुद देखिए कि एच एफ माइनस वर्क फंक्शन है ये शुरू वाले काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एक सेकेंड ऐसे आप मत कीजिए, ठीक है, ऐसे में आपका प्रूव नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, रुकिए मैं साफ करके बताता हूं, ऐसे भी प्रूव होगा लेकिन जो हम लोग चाह रहे हैं ना वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, जितना बेहतर तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं उतना बेहतर तरीके से नहीं होगा। आप ये तो समझ ही रहे हैं, मैं यहां पे साफ कर रहा हूं, आप ये तो समझ ही रहे हैं कि यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 2hf माइनस फाई के बराबर होगा। अब देखिए 2hf को 2hf ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो माइनस फाई है इसे आप माइनस टू फाई और प्लस फाई के बराबर तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना माइनस टू पाई प्लस फाई माइनस फाई को। देखिए इससे क्या फायदा होगा ना कि यहां पे आराम से इन दोनों से टू कॉमन आ जाएगा, तो जो टू कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बच जाएगा एच एफ और माइनस फाई, और यहां पे अगर बगल में आपका प्लस फाई बच गया तो यहां पे प्लस फाई। अब खुद देखिए कि ये टू तो आपका टू हो गया और एच एफ माइनस फाई काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब प्लस फाई, तो आप खुद देख सकते यहां से, यहां भी कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब खुद देख सकते हैं यहां से कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एफ आ गया वो दो गुना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस फाई के बराबर होगा। अगर आप थोड़ा भी बढ़िया से पढ़े हैं ना अपने सर से तो ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, प्रूफ थोड़ा भी बढ़िया से पढ़ाई किए हैं तो, या फिर रेगुलर वीडियो को देखें बढ़िया से तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर रेगुलरली नहीं देखते हैं कभी कदाल एक बार देख के सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूरा टॉपे कर जाएंगे तब तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंपल सा मेरा एक थाउट है कि बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा कब, जब पढ़िएगा तब ना, जानिएगा तब ना, जानने की जगह तो हम बातें ना बनाइएगा, बात बनाइएगा तो जरूर थोड़ी कि आपको नंबर दे देगा चेक करने वाला, तो थोड़ा इस बात को समझिए। तो अगर बढ़िया से समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है और आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको यहां पे एक चीज शो कर दिया, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर दो फेसबुक पेज, पटना स्टूडेंट पेज और एमिंग हाई पेज, इन दोनों को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा न्यूज, सारा क्वेश्चंस फेसबुक पे भी मिल जाता है। करा व्हाट डू यू मीन फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने पहले कभी बात नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत बार बात किया है। क्वेश्चन में यह ने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मैंने बहुत बार कहा है कि जब लाइट गिरता है, लाइट मतलब फोटोन जब मेटल पे गिरता है तो फोटोन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब फोटोन के जरिए लाइट के जरिए, इसी इलेक्ट्रॉन को जो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी जब आने वाले लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन या
उससे ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जो कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसी को तो हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी लाइट है इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा होना चाहिए, और ये होने के लिए लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि जब लाइट का वर्क फंक्शन एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगा तो उस समय का फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति, और अगर चाहते हैं कि उससे ज्यादा एनर्जी हो तो फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर है ना तो इस बात को अच्छा से समझ जा रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया से हमको पता है। रेगुलरली नहीं देखते तो वीडियो को रेगुलरली देखा कीजिए, तभी जाके आपको फायदा होगा। देखिए आंसर में भी वही सब बातें कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेटल सरफेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही ना बोलते हैं जो फोटोन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन निकलता है नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और कहा जा रहा है इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अकर, कब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ग्रेटर और इक्वल मतलब कि बराबर या अधिक होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जन होगा जब ऊर्जा फोटोन का कार्य फलन या उससे अधिक होगा। और भी कहा जा रहा है फॉर दिस पर्पस, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होना चाहिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि निकालने वाला फोटोन का जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी आने वाला लाइट का एनर्जी एच गुना फ्रीक्वेंसी, यहां एफ दिखा लीजिए, इस तरीके से दिखा लीजिए, और माइनस फाइव मतलब वर्क फंक्शन के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन पे क्या है नहीं है और कितना हो सकता है। ये फोर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के जो क्वेश्चंस बैंक है मॉडल पेपर है वहां से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि कृषि क्रिकेट की बल नहीं होना चाहिए था, यहां पे बॉल होना चाहिए था, कृषि क्रिकेट की बॉल इस तरीके से बॉल से संबंध डी ब्रोगली तरंग दर्ज का प्रेषण हम क्यों नहीं करते। अच्छा व्हाई डू नॉट बी ऑब्जर्व डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ क्रिकेट बॉल, मतलब क्रिकेट बॉल जो ऊपर मैंने बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्रिकेट बॉल जो होता है अगर इसको फेंकेंगे तो इसके साथ डी ब्रोगली वेव होगा, लेकिन उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ना नहीं करते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है बहुत छोटा होता है। तो आंसर में क्या करना है कि आपको लिख देना कि इतना छोटा होता है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कर सकते हैं, और एक एग्जांपल आपको दे देना है मैथ के जरिए, एग्जांपल दे देना है तो आपको बढ़िया से वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको हम दिखा देते हैं कि क्या करना है नहीं करना नीचे चल के बढ़िया से। लेकिन इससे पहले एक बात और कि देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिल लगा के पढ़िए मन लगा के पढ़िए, मैं बार बार यही कहता हूं, बनना है तो बिल्कुल सच्चा स्टूडेंट बनिए, सही स्टूडेंट बनिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट बनिए। और देखिए आंसर में वही कहा जा रहा है वी डू नॉट ऑब्जर्व द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, काफी छोटा होता है ना बॉल के साथ, इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है ना उसका तो मान सकते हैं लेकिन जो बॉल होता है गेंद होता है ये सबका इतना छोटा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कि पता नहीं चलता। देखिए प्रूफ में आपको क्या लिखना है, अभी मैं मैथमेटिकल प्रूफ क्या है एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या कर लीजिए कि माना कि लेट मास ऑफ बॉल का जो मास है मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी बॉल का मास आपका 200 ग्राम है, जैसा कितना होगा 200-250 ग्राम, मान लीजिए 200 ग्राम है बॉल का मास, और जब वेलोसिटी है बॉल का स्पीड बॉल का वेग कर सकते हैं हिंदी में, तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आप कितना मान लीजिएगा, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड, और खुद निकाल के देखिए ना डी ब्रोगली वेवलेंथ काफी छोटा हो जाएगा। तो आप सभी को पता ना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है एच बटा मोमेंटम के बराबर होता है, जहां मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो बॉडी का मास कितना है 200 ग्राम, तो केजी में जब बदलिएगा मोमेंटम निकालने के लिए तो 200 में 1000 से भाग कीजिएगा, तो ये हो गया मास, नीचे मैं पुट कर रहा हूं मोमेंटम का वैल्यू, मास गुना वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी। और एच का वैल्यू तो आप सभी को पता और हमें भी पता है कि यहां पर एच का वैल्यू 6.63 लगभग में इंटू 10^-34 हो जाता है। इतना जब पुट पाट कीजिएगा तो पुट पाट करने के बाद जब आप निकालिएगा, देखिए मैं सॉल्व ही कर देता हूं, दो जीरो से आपका यहां पे दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बचा 6 और ऊपर बचा 6.63 बाई 6 गुना 10^-34। तो आप खुद देखिए कि 6.63 गुना 10 बाई 6 कीजिएगा तो लगभग
ओबान पॉइंट समथिंग आएगा, पता नहीं जो भी आएगा, ओबान दशमलव कुछ, आप बढ़िया से घर पे कर लीजिए, तो वन दशमलव कुछ गुना 10^-34 हो जाएगा। और ये काफी काफी इतना मीटर, ये काफी काफी छोटा है ना, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब यही लिख देना है आपको बढ़िया से, एग्जाम्पल में आप समझ जाइएगा ना, कॉपी किताब रखिएगा पास में तो पता चल जाएगा आपको, बढ़िया से लिख लीजिएगा कि ये काफी काफी छोटा होता है इसलिए हमको पता नहीं चल पाता, इसलिए हम लोग उसका प्रेशर मतलब उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। तो इतना ही आज के लिए रहेगा, अगले दिन से नए सीरीज में मिलते हैं, लेकिन अंत तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी भी लाइक कर दीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।